बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने लूप की 3 टाइप्स व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप की डिटेल्स आपसे शेयर कर ली थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, नेस्टेड लूप। तो डियर फ्रेंड्स, नेस्टेड से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पर इस तरह का एक स्टार प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए आप प्रोग्राम किस तरह का बनाएंगे? दोस्तों, आप मेन फंक्शन के अंदर एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखेंगे और प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास में ये स्टैटिक लिख देंगे। अब दोस्तों, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको ये स्टार बना हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपको एक के बजाय 5 स्टार आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाने, तो इसका भी एक तरीका तो यह है कि आप मैनुअली प्रिंटएफ की स्टेटमेंट में 5 दफा इस तरह का स्टैटिक लिख दें इस तरह से। और अब आप जब इसको रन करेंगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर 5 दफा स्टार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये कोई जर्नलाइज तरीका नहीं है, क्योंकि मान ले अगर आपको 1000 टाइम स्टार प्रिंट करवाना है तो क्या आप मैनुअली यहाँ पर 1000 टाइम स्टार लिखेंगे, स्टैटिक प्रिंट स्टैटिक लिखेंगे? तो दोस्तों, जर्नलाइज तरीका क्या है? जर्नलाइज तरीका ये है कि अगर आप एक ही स्टेटमेंट को 5 टाइम्स रिपीट करवाना चाहते हैं या एक स्टेटमेंट को 1000 टाइम्स रिपीट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंस, यहाँ पर हम एक फॉर का लूप ले लेते हैं और यहाँ पर हमने एक काउंटर वेरिएबल ले लिया है जी, जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि हमें डायरेक्ट अभी 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी कि जे इज लेस देन इक्वल टू 5। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर हमें 1 से लेकर 5 तक लिखकर जाना है, यानी हमें काउंटर वेरिएबल को प्लस करना है। इसके बाद दोस्तों, आप कर्ली ब्रेसेस दे देंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप ये प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिख देंगे इस तरह से। ये आपने प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिख दी और इसके बाद इन कर्ली ब्रेसेस को, यानी लूप की बॉडी को आपने क्लोज कर दिया। अब डियर फ्रेंड्स, जब ये लूप चलेगा, यहाँ पर हमने एक चीज मिस कर दी है, काउंटर वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज तो कर दिया लेकिन डिफाइन नहीं किया, ये हमने डिफाइन भी कर दिया। अब दोस्तों, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पर इस तरह से 5 बार ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप 1000 टाइम्स स्टार प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल जे इज लेस देन इक्वल्स टू 1000 दे देंगे, तो 1000 टाइम्स आपके सामने स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है लूपिंग का, कि लूपिंग के जरिए आपको मैनुअली काम करना नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह आप चेंजिंग करेंगे और ऑटोमेटिकली आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो स्टार प्रिंट हो रहा है, जब ये लाइन, यानी ये स्टार 5 दफा प्रिंट हो जाए, तो कर्सर एक न्यू लाइन पर आ जाए। मिसाल के तौर पर अभी आप देखें तो आपका कर्सर यहाँ मौजूद है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कर्सर यहाँ पर नजर आए, यानी न्यू लाइन यहाँ पर शो हो। तो इसके लिए आप इस पूरी फॉर लूप की बॉडी के बाद लिख देंगे प्रिंटएफ और इन्वर्टेड कॉमास में आप \n लिख देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ये 5 दफा स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक न्यू लाइन जनरेट हो गई है। तो डियर फ्रेंड्स, अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो स्टार वाली लाइन है जिसमें 5 स्टार प्रिंट हुए हैं, इस ऐसी एक के बजाय 3 लाइन्स प्रिंट हो, तो ऐसा तब मुमकिन है जब आप इस पूरे कोड को, जब आपने इस एक लाइन के लिए जो कोड लिखा है वो आप 3 बार रिपीट करें। मिसाल के तौर पर ये जो हमने कोड लिखा है, इससे एक लाइन में 5 दफा स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और ऐसी 3 लाइन्स प्रिंट करवाने के लिए हमें इसी कोड को 3 बार रिपीट करवाना होगा। और इसके लिए दोस्तों, हम सिंपल एक और फॉर का लूप बनाएंगे और इस पूरे कोड को उस फॉर लूप की बॉडी में रख देंगे, क्योंकि हमें इस कोड को 3 टाइम्स रिपीट करवाना है। इसीलिए हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे i, इसको 1 से इनिशियलाइज करवाएंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर रखी स्टेटमेंट्स को 3 टाइम रिपीट करवाना है। तो हम यहाँ कंडीशन दे देंगे i इज लेस देन इक्वल टू 3 इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों हमें इस कोड को 3 बार रिपीट करवाना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक फॉर का लूप लेंगे इस तरह से। इस फॉर के लूप में, क्योंकि हमने यहाँ पर j वेरिएबल लिया है, तो अब हम एक नया वेरिएबल लेंगे i, इसको 1 से इनिशियलाइज करवाएंगे। इस पूरे फॉर लूप को हमें 3 बार रिपीट करवाना है, तो हम लिखेंगे i इज लेस देन इक्वल्स टू 3। इसके बाद हम इसमें i प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करवा देंगे और इस पूरे कोड को दोस्तों हम फॉर लूप की बॉडी में रख देंगे। इस तरह से ये हो गया पहला लूप।
और हमें रिपीट जो करवाना है वो इस लूप को करवाना है, यानी ये जो पूरा कोड है इसके जरिए एक लाइन प्रिंट हो रही है स्टार वाली। अब हमें ऐसी तीन लाइन प्रिंट करवाने के लिए हमने एक और लूप बनाया फॉर का और उसमें इस वाले लूप को रख दिया। इससे फायदा क्या होगा, इस फॉर की वजह से ये लूप तीन बार रिपीट होगा और तीन बार रिपीट होने की वजह से आपको इस डायरेक्ट वाली लाइन तीन बार नजर आएगी। अब डियर फ्रेंड्स, जब आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने ये स्टार वाली लाइन थ्री टाइम्स प्रिंट हो चुकी होगी इस तरह से। एक और दोस्तों हम गलती कर रहे हैं, हमने यहाँ पर जे को तो इनिशियलाइज करवा दिया, यानी आई को तो इनिशियलाइज करवा दिया लेकिन आई को डिफाइन नहीं किया। तो जिस तरह आपने जे को डिफाइन किया है इसी तरह हमने आई को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद आइए अब इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार वाली लाइन है ये तीन बार प्रिंट हो चुकी है। अब डियर फ्रेंड्स अगर आप इस पूरे प्रोग्राम पर गौर करें तो ये दरअसल नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है। और नेस्टेड से क्या मुराद है, जब कभी भी लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप मौजूद हो, यानी सबसे पहले एक लूप चले और उस लूप के अंदर मजीद लूप्स मौजूद हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को नेस्टेड का नाम दिया जाता है। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, अ लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ एन अदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी जब कभी भी आप एक लूप की बॉडी में मजीद लूप को डाल दें तो सी लैंग्वेज में इस अमल को नेस्टिंग कहा जाता है। और नेस्टिंग आप किसी भी लेवल तक कर सकते हैं, यानी एक लूप की बॉडी में दूसरा लूप और फिर उस दूसरे लूप की बॉडी में तीसरा लूप, यानी जितनी नेस्टिंग चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह करने से प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और डियर फ्रेंड्स ये इसको इसका एक और पॉइंट देखिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टाइप ऑफ लूप दैट मे बी प्लेस्ड इन द बॉडी ऑफ अदर लूप। यानी दोस्तों आप चाहें तो फॉर लूप की बॉडी में व्हाइल लूप को रख दें या व्हाइल लूप की बॉडी में डू व्हाइल लूप को रख दें। ये यानी जरूरी नहीं है कि फॉर की बॉडी में जब नेस्टिंग होगी तो फॉर लूप की ही होगी या फिर व्हाइल लूप की बॉडी में अगर नेस्टिंग होगी तो व्हाइल लूप की ही होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके पास तीन लूप्स मौजूद हैं, फॉर व्हाइल और डू व्हाइल, और आप किसी भी लूप को किसी दूसरे लूप की बॉडी के अंदर रख सकते हैं, किसी दूसरे लूप के साथ नेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये इस नेस्टिंग लूप का सिंटैक्स देखिए, दोस्तों ये तो आपको पता है कि नेस्टिंग से मुराद है एक लूप की बॉडी में एक और लूप का मौजूद होना। तो ये पहला लूप जो है ये कहलाता है आउटर लूप, और ये जो आउटर लूप के अंदर मजीद लूप है ये कहलाता है इनर लूप। यानी आप सबसे पहले एक लूप डिफाइन करेंगे, यहाँ पर फॉर भी हो सकता है, व्हाइल लूप भी हो सकता है या डू व्हाइल लूप भी हो सकता है। उसके बाद उस लूप की बॉडी में आप जब दूसरा लूप देंगे तो उसके भी बिल्कुल जैसा सिंटेक्स आपने पढ़ा है, चाहे अब वो फॉर हो, व्हाइल हो, डू व्हाइल हो, बिल्कुल वैसा ही सिंटेक्स देंगे। जो आउटर लूप है यानी जो पहले वाला लूप है वो कहलाएगा आउटर लूप, और जो उस आउटर लूप के अंदर मौजूद लूप होगा वो कहलाएगा इनर लूप। दोस्तों आउटर लूप आमतौर पर रोज के लिए होता है जबकि इनर लूप आमतौर पर कॉलम्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ हमने तीन रोज चाहिए थी और फाइव कॉलम्स चाहिए थे, तो आउटर लूप के जरिए हमने तीन रोज के अंदर स्टार प्रिंट करवा दिए और इनर लूप के जरिए हमने फाइव कॉलम्स के अंदर स्टार प्रिंट करवा दिए। यानी दोस्तों अगर आप इस लूप को देखें जो कि एक आउटर लूप है और यहाँ पर ये वन से स्टार्ट है और थ्री पर ये स्टॉप हुआ है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमने स्टार प्रिंट करवाए हैं इस प्रोग्राम के जरिए ये भी वन टू और थ्री रोज पर मुश्तमिल है, विच मीन्स के जो आउटर लूप है ये रोज के लिए होता है और फिर इसके अंदर हमने इनर लूप को यूज किया है और इनर लूप के अंदर ये वन से स्टार्ट है और स्टॉप है फाइव पर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स भी वन से लेकर फाइव है, विच मीन्स के इनर लूप जो है वो कॉलम्स के लिए होता है और आउटर लूप रोज के लिए होता है। और यहाँ जो बात गौर करने की है वो ये है कि आउटर लूप एग्जीक्यूट तो थ्री टाइम्स होगा, यानी यहाँ पर ये वन से स्टार्ट होगा और थ्री पर स्टॉप होगा, लेकिन हर बार आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होने पर इनर लूप फाइव टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा। यानी एक बार आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल इनर लूप पर आ जाएगा और इनर लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पर अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो दोस्तों ये है आउटर लूप जो कि
रॉस के लिए है और ये है इनर लूप, क्योंकि ये इस आउटर लूप की बॉडी के अंदर मौजूद है। अब ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा? दोस्तों सबसे पहले आपने आई को इनिशियलाइज करवा दिया 1 से, आई के अंदर वैल्यू मौजूद है 1। अब ये कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 जो है वो छोटा है या फिर 1 जो है वो बराबर है 3 के, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 1 जो है वो छोटा है 3 से। अब क्या होगा दोस्तों, अब आपका कंट्रोल इस लूप की बॉडी में आ जाएगा, तो अब कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस फॉर लूप की बॉडी देखें तो इसके अंदर मजीद एक और लूप है। अब दोस्तों कंट्रोल इस लूप पर आ जाएगा, ये चेक करेगा कि जे जो है वो बराबर है 1 के, फिर ये चेक करेगा इस कंडीशन को, इस फॉर लूप की कंडीशन को, कि क्या जे जो है जो अभी 1 है, क्या 1 जो है वो छोटा या बराबर तो नहीं है 5 के, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो अब ये इस फॉर लूप की बॉडी में आएगा और प्रिंट करवा देगा एक स्टार को इस तरह से। अब दोस्तों ये स्टार प्रिंट हो चुका है, ये दोबारा से आप जानते हैं कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये होता है स्टेप 1, ये होता है स्टेप 2, इसके बाद लूप की बॉडी स्टेप 3 होता है और स्टेप 4 होता है ये इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन। तो अब ये इस जे के अंदर इंक्रीमेंट करेगा, जे के अंदर इंक्रीमेंट करने पर जे की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो छोटा है 5 से, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। ये लूप की बॉडी में आएगा और प्रिंट करवा देगा एक और स्टेप को, इसके बाद दोबारा से जे के अंदर एक का इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ये चेक करेगा कि क्या 3 जो है वो छोटा है 5 से, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये दोबारा से प्रिंट करवा देगा इस स्टेरिक को, इसके बाद दोस्तों कंट्रोल दोबारा से इस इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन पर जाएगा, इंक्रीमेंट करने पर जे के अंदर वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये चेक करेगा कंडीशन को कि क्या जे जो है यानी 4 जो है वो छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी। ये लूप की बॉडी में आएगा और फोर्थ टाइम इस स्टार को प्रिंट कर देगा, इसके बाद दोबारा से जे के ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 5। ये कंडीशन को चेक करेगा कि क्या 5 जो है वो छोटा है 5 से, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये चेक करेगा कि क्या 5 जो है वो बराबर है 5 के, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये लूप की बॉडी में आकर दोबारा से एक स्टार प्रिंट कर देगा। अब दोस्तों दोबारा से ये कंट्रोल इस जे प्लस प्लस पर जाएगा, जे के अंदर अभी वैल्यू है 5, जब प्लस करने पर ये वैल्यू हो जाएगी 6। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 6 जो है वो छोटा है 5 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये चेक होगा कि क्या 6 जो है वो बराबर है 5 के, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये कंट्रोल लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, बल्कि लूप की बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट लिखी है ये प्रिंटएफ स्टेटमेंट, इसको एग्जीक्यूट करेगा। और प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर न्यू लाइन की एस्केप सीक्वेंस रखा हुआ है, तो अब ये स्टार के बाद एक न्यू लाइन को प्रिंट कर देगा, यानी यहाँ पर कर्सर अब इस न्यू लाइन पर आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स दोबारा से जैसे ही ये प्रिंटएफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो अब लूप जो है यानी इस फॉर लूप की ये बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है पूरी। अब जब आप जानते हैं कि जब किसी भी लूप की यानी फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, तो फोर्थ स्टेप होता है इस आई के अंदर प्लस प्लस करने का। तो आई के अंदर अभी 1 मौजूद है, जब आप इसको प्लस प्लस करेंगे तो आई हो जाएगा 2। जैसे ही आई 2 होगा, कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 जो है वो छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब दोस्तों कंट्रोल इस इनर लूप पर आ जाएगा, यानी फॉर की बॉडी में आ जाएगा। और फॉर की बॉडी में आने के बाद आप जानते हैं कि ये जो पूरा आपका लूप है ये 5 टाइम्स रिपीट होगा, यानी यहाँ पर ये 5 टाइम्स इस तरह से स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। 5 टाइम्स प्रिंट करवाने के बाद जैसे ही यहाँ पर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, जे के अंदर वैल्यू 6 आएगी, तो कंट्रोल इस प्रिंटएफ पर आ जाएगा, प्रिंटएफ वाली लाइन पर आ जाएगा और यहाँ पर ये कर्सर को न्यू लाइन पर ले आएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ये प्रिंटएफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अब आपका कर्सर जो है यानी अब आपका कंट्रोल इस आउटर फॉर लूप पर आ जाएगा। दोस्तों आउटर फॉर लूप के अंदर अभी ये सबसे पहले इस आउटर फॉर लूप की इस वाली स्टेटमेंट यानी इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा, आई के अंदर वैल्यू है 2। जब ये इंक्रीमेंट करेगा तो अब आई के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पर ये 2 के बजाय हो जाएगा 3। अब ये चेक करेगा कि क्या 3 जो है वो छोटा है 3 से, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू भी लिखा है, तो अब ये चेक करेगा कि क्या 3 जो है वो बराबर है 3 से, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब ये दोबारा इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, इस पूरे फॉर लूप को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, यानी 5 टाइम्स इस स्टार को प्रिंट करेगा। और प्रिंट करवाने के बाद ये इस प्रिंटएफ स्टेटमेंट पर आएगा और न्यू लाइन पर आपका कर्सर ले आएगा। इसके बाद दोस्तों दोबारा से आपका पॉइंटर, आपका कंट्रोल इस आई प्लस प्लस पर आएगा, आई प्लस प्लस पर अब ठीक आई के अंदर वैल्यू हो जाएगी 4।
अब ये चेक करेगा कंडीशन को कि क्या 4 जो है वो छोटा है 3 से, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर चेक करेगा कि क्या 4 जो है वो बराबर है 3 से, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये नेस्टेड लूप काम करता है, यानी ये जो आउटर लूप है ये तो एक दफा एग्जीक्यूट होगा, जैसे ये आउटर लूप की कंडीशन एक दफा ट्रू होगी तो इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यानी इनर लूप के अंदर आप जो वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं, और जब इनर लूप की स्टेटमेंट इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तब कंट्रोल दोबारा इस आउटर फॉर लूप पर जाएगा। यानी डियर फ्रेंड्स, हमें ये पता लगा कि आउटर लूप की एक आइटरेशन एग्जीक्यूट होने पर इनर लूप की 5 आइटरेशन एग्जीक्यूट होगी। इस तरह ये फॉर लूप काम करता है। और जरूरी नहीं है कि आप फॉर की बॉडी में फॉर लूप ही लिखें, आप फॉर लूप की ही नेस्टिंग करें, बल्कि आप फॉर लूप के अंदर वाइल की भी नेस्टिंग करवा सकते हैं। यानी अगर हम इस प्रोग्राम के अंदर फॉर की इस इनर फॉर के बजाय वाइल लूप इस्तेमाल करें तो वो कुछ इस तरह का होगा। ये हो गया फॉर लूप जो कि आउटर लूप है, और इस आउटर लूप में हमने जे को जो है वो वाइल लूप के अंदर लिखा है। तो अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा, 5 टाइम आपका स्टैटिक प्रिंट होगा 3 रोज के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, चाहे आप फॉर लूप के अंदर वाइल लूप को यूज करें, यानी वाइल लूप की नेस्टिंग करें, वाइल लूप के अंदर फॉर लूप की नेस्टिंग करें, ये तमाम चीजें पॉसिबल हैं। दोस्तों यहाँ आपका ये नेस्टेड लूप कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपने देखा कि नेस्टेड लूप होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, ब्रेक एंड कंटिन्यू इन सी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।